साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको हिज्जे कर करके बहुत ही बारीकी से एक एक मात्रा का उच्चारण और उच्चारण को पकड़ करके हिंदी लिखना बताते हैं। इतनी बारीकी से हिंदी लिखना बताते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी ये हिंदी लिखना सीखें कुछ ही वीडियो देखें और हिंदी लिखना सीख जाए। तो उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखना सीखने के लिए स्वयं से लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में एक लेख लेकर आए हैं। लेख का शीर्षक है भाषा। तो आइए पहले हम इस लेख को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में इसी लेख के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसीलिए इसका नाम हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो रखा गया है। तो पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। यह रुकना नहीं जानती, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन तोड़ आगे निकल जाती है। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन तोड़ आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। यह देश की भाषा, माफ करना, हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। आइए अब हम भाषा लेख के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखें। तो आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिज्जे कर करके हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। तो पहला शब्द है भाषा। भा, भा के साथ आ का उच्चारण है, तो भा में आ की मात्रा रहेगी। भा के साथ आ का उच्चारण है भा, और शा, शा के साथ भी आ का उच्चारण है, तो शा में भी आ की मात्रा रहेगी। ध्यान रहे भाषा में हमेशा मूर्धन्य शाही लिखें, षटकोण वाला शाही लिखें, ठीक है। तो भाषा इस तरह से शा, इस तरह उच्चारण हो रहा है, ठीक है, भाषा। अगला शब्द है नदी। नदी, न, ना के साथ कोई उच्चारण नहीं है तो न खाली रहेगा। खाली मतलब उसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। न दी, दा के साथ ई का उच्चारण और है देर तक, तो बड़ी की मात्रा नदी। की, अब का में भी ई का उच्चारण है और देर तक है, तो का में भी बड़ी की मात्रा, ठीक है। फिर है धारा। धारा, ध्यान दीजिए, धारा यानी कि धा के साथ भी आ का उच्चारण या कि आ की मात्रा रहेगी। रा, रा के साथ भी आ का उच्चारण, तो यानी कि रा की या आ की मात्रा रहेगी। शब्द बन जाता है हमारा धारा, ठीक है। की, अब फिर से हम की लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे की लिखा है, का,
का में बड़ी की मात्रा, क्योंकि इस तरह आवाज आती है, जहाँ पे की लिखना है वहाँ पे छोटी की मात्रा लिखी जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ पे की लिखना है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। तरह, त के साथ कोई उच्चारण नहीं है, रह, रा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं और हा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, तो तरह तरह, ठीक है। चंचल, आप लिखेंगे चं चं, चा के साथ अं का उच्चारण है, जब चा के साथ अं का उच्चारण है तो चा में अं की मात्रा रहेगी। चल चल, चा के साथ कोई उच्चारण नहीं, ला के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, तो चा भी खाली ला भी खाली, शब्द बन गया हमारा चंचल, चा में अं की मात्रा चं, चला चल चंचल। है, अगला शब्द है यानी कि हा के साथ है, ए ए का उच्चारण तो हा में ए की मात्रा, ठीक है। लिखेंगे विराम, आगे लिखेंगे यह रुकना, यह यह, या के साथ कोई उच्चारण नहीं, हा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो शब्द बन गया यह। अगला शब्द है रुकना, रुकना, रुक रु रु, रा के साथ ऊ का उच्चारण और रु कम देर के लिए तो छोटे ऊ की मात्रा, और रा में हमेशा ऊ की मात्रा बीच में लिखी जाती है, नीचे नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो रुक, क का के साथ कोई उच्चारण नहीं है, हो गया रुक ना, ना के साथ आ का उच्चारण हो गया ना, रुक ना, ठीक है, रुकना। नहीं, नहीं, न, ना के साथ कोई उच्चारण नहीं है, हा के साथ उच्चारण है, काहे का ही ई का उच्चारण है, तो ई का उच्चारण है और देर तक है, नहीं तो बड़ी की मात्रा। अब ये हो गया नहीं, नहीं हमें लिखना है नहीं, यानी कि कुछ कुछ नाक से आवाज आ रही है ही करके, तो अनुस्वार बिंदु भी रहेगी। नहीं जब भी आप लिखें तो अनुस्वार बिंदु अवश्य लिखें, तभी नहीं पूरा ठीक माना जाएगा, ठीक है। जानती, अगला शब्द है जानती, जा, जा के साथ आ का उच्चारण जा, न, ना के साथ कोई उच्चारण नहीं है, तो हो गया जान ती, ता के साथ ई का उच्चारण तो ता में बड़ी की मात्रा, जानती। यह रुकना नहीं जानती, विराम लिखेंगे। आगे लिखेंगे यदि, या के साथ कोई उच्चारण नहीं, दि दि, दा के साथ उच्चारण है, काहे का दि ई ई का उच्चारण है, लेकिन कम देर के लिए है, कैसे यदि यदि, यानी कि दि कम देर के लिए बोला जा रहा है, जब कम देर के लिए है तो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लिखी जाती है, इस तरह लिखी जाती है, ठीक है। यदि यदि नहीं लिखा जाएगा, यदि हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं तो यदि पढ़ा जाएगा, यदि गलत हो जाएगा, हमें चाहिए यदि, तो दा में छोटी की मात्रा। अगला शब्द है कोई, को, का के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, को ओ का उच्चारण तो का में ओ की मात्रा, को ई, अब बड़ी रहेगी ई देर तक है, ठीक है, कोई, ठीक है, कोई इसे, इसे ई, अब यहाँ पे छोटी की मात्रा है, इसे ई कम देर के लिए ई बोली जा रही है, ठीक है। ई से, सा के साथ ए का उच्चारण तो सा में ए की मात्रा, इसे। बलपूर्वक, बलपूर्वक, बल बा और ला, ना ही बा के साथ कोई उच्चारण है अलग से, ना ही ला के साथ, तो बाला। बल पूर्वक, पू, पा के साथ ऊ का उच्चारण और देर तक पू, बड़े ऊ की मात्रा, कि ऊ देर तक हो रहा है, पू कम देर तक नहीं हो रहा, अधिक देर तक हो रहा है, तो बड़े ऊ की मात्रा। पूर्वक, यहाँ पे पूर्व में रेफ की मात्रा रहती है वा के साथ, ठीक है, वा में रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा जिस अक्षर में लिखी जाती है उससे पहले पढ़ी जाती है, तो इसको यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्व, क, का के साथ कोई उच्चारण है तो का खाली, शब्द बन गया हमारा बलपूर्वक, ठीक है। बलपूर्वक रोकना, रोकना, रो, रा के साथ ओ का उच्चारण, रोक, का के साथ कोई उच्चारण नहीं, रोक ना, ना के साथ आ का उच्चारण तो हो गया ना, शब्द बन गया हमारा रोकना, ठीक है। रोकना भी, भा के साथ ई का उच्चारण बड़ी रहेगी, भी में हमेशा बड़ी लिखी जाती है, भी बड़ी की मात्रा। रोकना भी चाहे, चा, चा के साथ आ का उच्चारण तो चा में बड़िया की मात्रा, हे, ह
था के साथ ए का उच्चारण शब्द बन गया चाहे, चाहे रोकना भी चाहे तो। ता के साथ ओ का उच्चारण तो ता में ओ की मात्रा तो, यह यह या और हा, ना ही या के साथ कोई उच्चारण है ना ही हा के साथ कोई उच्चारण है, शब्द बन गया यह, जैसे कि हमने यहाँ पे यह लिखा। ठीक है, यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके, उसके उस छोटा ऊ सा उस के का के साथ ए का उच्चारण तो का में एक ही मात्रा उसके। ठीक है, उसके बंधन बन बा और बंधन जब लिखें आप तो चाहे तो अनुसार बिंदु लिखें चाहे तो आधा ना लिखें, दोनों चीज ना लिखें। ठीक है, बंधन धा और ना बंधन, तोड़ तो ता के साथ ओ का उच्चारण तो ता में ओ की मात्रा औड़ा ता में ओ की मात्रा। ठीक है, ओ की मात्रा यहाँ से यहाँ तक पूरी मानी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल इतनी नहीं होती है, ये इस रेखा के सहित तोड़ा ड़ा लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे, यदि बिंदु नहीं लिखेंगे तो डा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तोड़ आगे आ बड़ा आ गे गा के साथ ए का उच्चारण तो गा में ए की मात्रा आगे, निकल जाती है निकल नी, अब यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है पहली बार पूरी, इतना जो हम लिख चुके हाँ हो चुका है, पहले भी हो चुका है, माफ करना दा में हो चुका है, यहाँ पे नी ना में छोटी की मात्रा निकल नी, ई का उच्चारण है कम देर के लिए है निकल, यदि बड़ी की लिख दें तो निकल हो जाएगा, निकल नहीं हमको चाहिए निकल, तो ना में छोटी की मात्रा नी, का के साथ कोई उच्चारण नहीं का खाली, ला के साथ कोई उच्चारण नहीं ला खाली, काला कल शब्द बन गया निकल। ठीक है, आगे निकल जाती, जा के साथ आ का उच्चारण तो जा में आ की मात्रा जा, ती ता के साथ ई का उच्चारण ता में बड़ी की मात्रा क्यों देर तक है ती, इस तरह से। ठीक है, हा के साथ ए का उच्चारण तो हा में ए की मात्रा। ठीक है, निकल जाती है विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे यह उसकी, यह जैसे कि हम पहले भी एक बार लिख चुके हैं एक बार और लिख चुके हैं तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, या के साथ कोई उच्चारण नहीं हा के साथ कोई उच्चारण नहीं, शब्द बन गया यह उसकी, उस छोटा उ और सा उस की, का के साथ ई का उच्चारण है तो का में ई की मात्रा उसकी, अब छोटी ई की मात्रा रहेगी कि बड़ी ई की मात्रा रहेगी ये भी ध्यान देने की बात है, तो हम जब हम पढ़ते हैं उसकी ई तो बड़ी की मात्रा, उसकी उसकी किसी शब्द में ई कम देर के लिए होता तो छोटी की मात्रा होती है, लेकिन उसकी में कभी भी छोटी की मात्रा नहीं लिखी जाती है, ये भी आप रट लें, तो सीधे सीधे बड़ी की मात्रा लिख दें और उसकी पढ़ दें। ठीक है, उसकी स्वाभाविक, अगला शब्द ध्यान से सुनिए, स्वाभाविक स्वा स्वा, जब किसी अक्षर का उच्चारण कम देर के लिए होता है तो उस अक्षर को आधा माना जाता है, तो यहाँ पे आधा सा रहेगा क्योंकि सा स्वा सवा सवा नहीं पढ़ा जा रहा है, स्वाभाविक नहीं पढ़ा जा रहा है, स्वाभाविक पढ़ा जा रहा है, सा का उच्चारण कम देर के लिए हो रहा है तो उसे आधा लिखेंगे, आधे रूप में आधा सा का ये होता है। ठीक है, इस तरह से आधा सा का रूप होता है स्वा, अब वा, वा का उच्चारण हो रहा है, वा के साथ आ का उच्चारण भी है तो आ में बढ़िया वा में बढ़िया की मात्रा हो गया स्वा, स्वाभाविक भा के साथ भी आ का उच्चारण तो भा, स्वाभाविक विक, वा के साथ ई का उच्चारण है और कम देर के लिए है विक तो छोटी की मात्रा। ठीक है, विक, का के साथ कोई उच्चारण नहीं तो का खाली यानी कि कोई मात्रा नहीं, शब्द बन गया हमारा स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक प्रकृति, प्रकृति प्र प्र लिखते हैं पा में पदेंद्रा प्र हो जाता है। ठीक है, प्र कृ कृ कृ, तो का के साथ री का उच्चारण है तो री की मात्रा रहेगी कृ ति ति, अब ता के साथ भी ई का उच्चारण है लेकिन कम देर के लिए है प्रकृति, प्रकृति नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रकृति पढ़ा जाता है और प्रकृति ही लिखा जाता है, यदि कोई प्रकृति पढ़ता है तो गलत पढ़ता है, प्रकृति लिखता है तो गलत लिखता है, ता में बड़ी की मात्रा नहीं होती है प्रकृति में, ता में छोटी की मात्रा होती है प्रकृति। ठीक है, शब्द बन गया हमारा प्रकृति। और
अगला शब्द क्या है? और, ओ, ओ, औरत वाला ओ, जैसा कि हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा है ओ, तो ओ र, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं रहा, खाली और। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, जैसे हमने यहाँ पे प्रा लिखा ऐसे यहाँ भी प्रा लिखेंगे, प्रवृत्ति, वृत्ति। यहाँ पे कृति था, यहाँ पे वृत्ति है, तो वा में री की मात्रा वृत्ति और ता में छोटी की मात्रा रहेगी, साथ में आधा ता रहेगा, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसे प्रवृत्ति, ठीक है, इस तरह पढ़ा जाएगा, शब्द बन गया हमारा प्रवृत्ति है। अभ्यास करते रहिए, सभी शब्दों से आपका परिचय हो जाएगा, फिर आपको कठिनाई नहीं होगी, बस आवश्यकता है अभ्यास करने की, ठीक है। कोई भी विद्या अभ्यास करने से सरल हो जाती है, सीखी जा सकती है, ठीक है। और आगे लिखेंगे है, हा के साथ जैसे हमने बताया ऐ की मात्रा, तो हा में ऐ की मात्रा है, विराम लिखेंगे, ठीक है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। आगे लिखेंगे हर देश की भाषा, हर, हा के साथ कोई उच्चारण नहीं, ह, र, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, शब्द बन गया हारा, हर, हर देश, दे, दे, द के साथ एका उच्चारण, तो दा में एक ही मात्रा, दे, श, 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 देश में हमेशा तालब शाही लिखेंगे, ठीक है, जिसे शरीफा वाला शाह कहते हैं बोलचाल की भाषा में। देश, हर देश की, का के साथ ई का उच्चारण, तो का में बड़ी की मात्रा, की भाषा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, भा में बड़िया की मात्रा, भा, और मूर्धन्य सा, जिसे षटकोण वाला सा कहते हैं बोलचाल की भाषा में, आ की मात्रा, भाषा। के, का के साथ ए का उच्चारण, के, तो का में ए की मात्रा, के। इतिहास, इति, इ, छोटी ई लिखी जाएगी और छोटी ई की मात्रा भी रहेगी, क्योंकि इति है, इतिहास नहीं है, इतिहास है। यदि ता में बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो इतिहास हो जाएगा, इतिहास गलत, इतिहास सही, तो इ, ता में छोटी की मात्रा इति, इति, हा में बड़िया की मात्रा हास, सा के साथ कोई उच्चारण नहीं, शब्द बन गया हमारा इतिहास। में, माँ के साथ ए का उच्चारण, माँ में एक की मात्रा, और ध्यान रहे में या मैं, ध्यान से सुन लीजिए, आगे जब आप हिंदी लिखेंगे तो आपको काम आएगी बात। मैं लिखें या मैं लिखें, अनुसार बिंदु साथ में अवश्य रहेगी, ठीक है। यदि आप अनुसार बिंदु नहीं लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए अनुसार बिंदु साथ में अवश्य लिखें। इतिहास में, ऐसी, अगला शब्द है ऐसी, ऐ, ऐ स्वयं है, किसी के साथ इसकी मात्रा नहीं है, तो जब स्वयं है तो पूरा ऐ लिखा जाएगा। सी, सा के साथ ई, ऐसी, ई का उच्चारण देर तक है ना, सी, तो बड़ी की मात्रा, ऐसी। बात, अगला शब्द क्या है? बात, बा, बा, यानी कि बा के साथ आ का उच्चारण, तो बा में बढ़िया की मात्रा, बात। त, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, बात, बात। देखी, देखी, दे, दा में ए, ए का उच्चारण हो रहा है, जैसे यहाँ पे दे, देश में देश ए का उच्चारण हुआ था, ऐसे यहाँ पर देखी में दे, ए का उच्चारण हो रहा है, तो दा में एक की मात्रा। खी, खा के साथ ई का उच्चारण, तो खा में बड़ी की मात्रा, देखी। जाति, जाति हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर से लिखेंगे, जाति, जा में आ की मात्रा, जा का उच्चारण है। ती, ता में बड़ी की मात्रा, ती, ई का उच्चारण है, जाति। और ध्यान दीजिए, जाति में बड़ी की मात्रा ही लिखी जाएगी। देखी जाति है, हा के साथ ए का उच्चारण, तो हा में ए की मात्रा, ठीक है। आगे लिखेंगे विराम, यदि यहाँ जाति में ता में छोटी की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा जात, जात कहते हैं, जो जातियाँ होती हैं उनको जात कहते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जाति है में ता में बड़ी की मात्रा रहेगी, जाति है, विराम लिखेंगे। आगे पहले पढ़ लेते हैं, हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भाषा के, आगे लिखेंगे भाषा के, जैसे हमने यहाँ पे भाषा लिखा ऐसे ही हम भाषा लिख लेंगे, भा में बढ़िया की मात्रा, मूर्धन्य शा में बढ़िया की मात्रा, भाषा, ठीक है। भाषा के,
का के साथ ए का उच्चारण जैसे यहाँ पे लिखा हमने, तो का में ए की मात्रा के अपने, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने, आपने नहीं अपने, अपने में छोटा आ लिखा जाएगा, यदि बड़ा आ लिख देंगे तो हो जाएगा आपने, आपने अर्थ गलत हो जाएगा, हमको चाहिए अपने, तो छोटा आ और प अप, ठीक है। ने ना के साथ ए का उच्चारण, तो ना में एक की मात्रा, अपने गुण, गुण गा में छोटे उ की मात्रा, गुण है आवाज आ रही, गुण, यदि गलती से बड़े उ की मात्रा लिख देंगे तो गुण हो जाएगा, गुण, हमको चाहिए गुण, तो गा में छोटे उ की मात्रा और अरा गुण, इसे गुड़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गुड़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अरा जब भी लिखा होता है तो यहाँ पर आ ऐसे थोड़ा नाक से आवाज आती है, गुण, गुण पढ़ेंगे, गुड़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अरा इसीलिए होता है गुण, नहीं तो अड़ा ना होता, तो गुण पढ़ेंगे, गुड़ नहीं पढ़ेंगे, या डा होगा तो गुड़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ेंगे गुड़, अड़ा होगा तो, अब अड़ा तो गुण पढ़ेंगे, गुण भाषा के अपने गुण, या 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 के साथ आ का उच्चारण, तो या में बड़े आ की मात्रा, या स्वभाव, स्वभाव, स्व, जैसे कि हमने आपको बताया किसी अक्षर का उच्चारण कम देर के लिए होता है तो उसे आधे रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे सा का उच्चारण कम देर के लिए हो रहा है तो इसे आधे रूप में लिखेंगे, लिखेंगे आधा सा, और आगे है स्व, स्व, वा, वा का उच्चारण है तो हो गया स्व, भाव, भाव, भा के साथ आ का उच्चारण, भा, स्वभाव, फिर वा एक बार फिर लिखेंगे स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, को, को का के साथ ओ का उच्चारण, तो का में ओ की मात्रा, को, भाषा, जैसे हमने यहाँ पे भाषा लिखा है ऐसे फिर भाषा लिखेंगे, भा में बड़े आ की मात्रा, जो कि हमारे आज का लेख का शीर्षक है भाषा, तो भाषा शब्द तो कई बार आना चाहिए, ठीक है, भाषा की, भा में बड़े आ की मात्रा, भाषा में बड़े आ की मात्रा, शा, भाषा की, का के साथ ई का उच्चारण, तो का में बड़ी की मात्रा, भाषा की प्रकृति, प्रकृति यहाँ पे हम लिख चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको हिज्जे करके ही लिखना बताएंगे, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है तो स्पेशलिटी बनी रहे तो अच्छी बात है। प्र, पा के साथ पदेंद्रा, प्र हो गया, कृ, कृ, का के साथ री की मात्रा, कृ हो गया, प्रकृ, री की मात्रा की विशेषता ये होती है कि रा के साथ हल्का सा ई का उच्चारण होना चाहिए, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, ति, ति, ता में छोटी ई की मात्रा, क्यों ति, अरे आवाज ई की, हो गया प्रकृति, ठीक है, ये अभ्यास का विषय है, यहाँ पे आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा प्रकृति के लिए, नहीं तो आप गलती से सुनकर लिखेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति आप सुनकर लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा, उच्चारण देखिए प्रकृति एक सा ही है लेकिन यहाँ पे ई का उच्चारण स्पष्ट है प्रकृति, यहाँ पे हल्का उच्चारण होता है प्रकृति, ठीक है, जैसे कृष्ण में हल्के से ई का उच्चारण होता है ऐसे यहाँ पर होता है, ये गलत माना जाएगा, गलत है ये, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, इसलिए अभ्यास करने की सिफारिश की जाती है, हर लोग आपको अभ्यास करने के लिए कहते हैं, हम भी आपसे अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभ्यास करते रहिए ताकि इन चीज़ों को आप ठीक से समझ पाएँ, सीख पाएँ, ठीक है, तो आगे लिखेंगे प्रकृति, कहते, कहते, क, का, हा, का के साथ कोई उच्चारण नहीं, हा के साथ कोई उच्चारण नहीं, ते, ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा, हो गया शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर पहली बार शब्द आया है तो हमने लिखा है कई बार, है नहीं लिखा, अब है और हैम का उच्चारण तो आप समझ ही रहे होंगे अंतर है और है में, ठीक है जहाँ पर सम्मानित वाक्य में लिखा जाता है या फिर बहुवचन में लिखा जाता है एक वचन में लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। अब हैं, हा में ए की मात्रा है हो गया, अब यहाँ पर बिंदु लिखेंगे तो होगा हैं, ठीक है, विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे भाषा एक सामाजिक शक्ति है,
भाषा, देखिए भाषा शब्द कई बार आ रहा है क्योंकि आज का शीर्षक ही भाषा है, तो भाषा आएगा और भाषा हम हिज्जे करके ही लिखना बताएंगे क्योंकि स्पेशलिटी हमारे सब वीडियो की बनी रहे। भा में बड़े आ की मात्रा भा, मूर्धन शा में आ की मात्रा शा, भाषा एक ए। अब यहाँ पर ए किसी अक्षर के साथ नहीं है, अक्षर के साथ होता है ए का उच्चारण तो हम उसे मात्रा के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से ए का उच्चारण है, जब स्वतंत्र रूप से है तो ए अक्षर ही लिखा जाएगा। ए क का के साथ कोई उच्चारण नहीं तो का में एक ही मात्रा। एक सामाजिक, सामाजिक ध्यान दीजिए सा के साथ आ का उच्चारण तो सा में आ की मात्रा। मा, मा के साथ भी आ का उच्चारण तो मा में भी आ की मात्रा। सामाजिक, अब ध्यान दीजिए जिक, जी जी यानी कि कम देर के लिए ई का उच्चारण तो छोटी ई की मात्रा। क का के साथ कोई उच्चारण नहीं तो का खाली यानी कि बिना मात्रा के, शब्द बन गया हमारा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक शक्ति, शक्ति ध्यान दीजिए शक्ति में हमेशा तालब शाही लिखा जाएगा, पहले लिखकर आपको बता दें। ठीक है, शक्ति शक। अब यहाँ पर का कम देर के लिए उच्चारित हो रहा है, जब कम देर के लिए हो रहा है तो आधे रूप में लिखा जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया किसी अक्षर का उच्चारण कम देर के लिए होता है तो उसे आधे रूप में लिखते हैं। टी ता के साथ ई का उच्चारण है लेकिन कम देर के लिए। शक्ति, शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, शक्ति, जब शक्ति है तो ता में ई की मात्रा रहेगी लेकिन छोटी ई की मात्रा रहेगी। अब छोटी ई की मात्रा कहाँ लिखी जाएगी, जब किसी अक्षर में छोटी ई की मात्रा लिखी जाती है उससे पहले कोई आधा अक्षर होता है तो उस आधे अक्षर से भी पहले ई की मात्रा लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं पूरे अक्षर के साथ, पढ़ी जाएगी ता के साथ लिखी जाएगी का से पहले यानी आधे का से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया किसी अक्षर में यदि छोटी की मात्रा लिखी जाए उससे पहले कोई आधा अक्षर हो तो उसे आधे अक्षर से भी पहले लिखते हैं। ठीक है, तो शब्द बन गया हमारा शक्ति। है, हा में ए का उच्चारण तो हा के साथ ए की मात्रा है, अल्प विराम लिखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं, भाषा एक सामाजिक शक्ति है। जो, जो अब जा के साथ ओ का उच्चारण है, जो तो जा में ओ की मात्रा, जो मनुष्य को, मनुष्य यहाँ में मनुष्य में भी आधा एक आधा अक्षर उच्चारण हो रहा है, ध्यान दीजिए। म, मनुष्य, नुष्य नु, ना का उच्चारण कम देर के लिए तो ना में, ना में ऊ का उच्चारण कम देर के लिए, मनु, मनु तो ना में छोटे ऊ की मात्रा, मनुष्य श। अब यहाँ पे शा कम देर के लिए उच्चारित हो रहा है और मनुष्य में हमेशा मूर्धन्य शा ही रहता है तो शा को आधे रूप में लिखेंगे तो मनुष्य या लिखेंगे, मनुष्य। माँ ना में छोटे ऊ की मात्रा, मनु मूर्धन्य शा आधा और या मनुष्य को। अब का के साथ ओ का उच्चारण तो का में ओ की मात्रा को। ठीक है, प्राप्त, प्रा, प्रापा में पदेन्द्रा बड़े आ की मात्रा प्राप्त, प, प कम देर के लिए उच्चारित हो रहा है तो आधा पा और त प्राप्त होती है। हो, हा के साथ ओ का उच्चारण तो हा में ओ की मात्रा, ता के साथ ती ई का उच्चारण तो ता में बड़ी की मात्रा होती है। हा में ए का की मात्रा क्यों है, ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, जो मनुष्य को प्राप्त होती है, विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे मनुष्य उसे, मनुष्य मा, नामे छोटे ऊ की मात्रा मा, नामे छोटे ऊ की मात्रा मनु आधा शा और या मनुष्य उसे छोटा ऊ, सा में एक ही मात्रा क्यों ऊ स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, किसी अक्षर के साथ नहीं बोला जा रहा है, किसी अक्षर के साथ बोला जाता है तो उसे मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊ पूरा ऊ बोला जा रहा है तो स्वतंत्र रूप से है तो पूरा अक्षर लिखा जाएगा तो उसे, सा के साथ ए का उच्चारण तो सा में एक ही मात्रा, उसे अपने, अपने हम पहले भी लिख चुके हैं एक बार तो फिर से अपने लिखेंगे, आपने नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने है तो छोटा आ लिखा जाएगा। आ और प, अप
नामे ने, एक का उच्चारण तो नामे एक की मात्रा अपने, यदि बड़ा गलती से लिखते हैं तो आपने हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमको अपने लिखना है, ठीक है। अपने पूर्वजों, पूर्व पूर्वजों, पूपा के साथ ऊ का उच्चारण अधिक देर तक तो बड़े ऊ की मात्रा, पूर्व रुव तो वा के साथ रेफ की मात्रा के रूप में रा लिखा जाएगा, पूर्व जैसा कि हमने आपको बताया जिस अक्षर में रेफ की मात्रा लिखी होती है उससे पहले पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्व जो जा के साथ ओ का उच्चारण तो जा में ओ की मात्रा और साथ में ओ नाक से आवाज आ रही है तो अनुसार बिंदु, पूर्वजों से सा के साथ ए का उच्चारण तो सा में ए की मात्रा से सीखता है, सीखता सी सा के साथ ई का उच्चारण तो सा में बड़ी की मात्रा, खता खा के साथ कोई उच्चारण तो खा खाली, ता के साथ आ का उच्चारण ता में बड़े आ की मात्रा सीखता है, हा के साथ ऐ का उच्चारण तो हा में ऐ की मात्रा, आगे लिखेंगे और जैसे कि हमने आपको बताया औ स्वतंत्र रूप से है किसी अक्षर के साथ नहीं है तो औ पूरा लिखा जाएगा, और र र खाली और उसका उस छोटा ऊ, यहाँ भी ऊ भी स्वतंत्र रूप से है और ऊ और सा उस का के साथ आ का उच्चारण शब्द बनेगा उसका, विकास करता है विकास वि, ठीक है विकास लिखेंगे वा, ठीक है विकास नहीं पढ़ाया तो विकास वा में छोटी की मात्रा वि, का के साथ आ का उच्चारण का स दंत सा रहेगा, ठीक है विकास करता कर का और कर का के साथ कोई उच्चारण नहीं अलग से, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं अलग से तो का और कर ता, ता के साथ आ का उच्चारण से ता में बड़े आ की मात्रा करता है, हा के साथ ऐ का उच्चारण तो हा में ऐ की मात्रा, विराम लिखेंगे मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा, और आज की वीडियो थी हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो, स्पेशल वीडियो में हमने आपको हिज्जे करके हिंदी लिखना सिखाया है और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पूरी देखी होगी और हमारे साथ लिखने का अभ्यास भी किया होगा। यदि किसी कारण से अभी आप हमारे साथ नहीं लिख पाए हैं तो अब की बार जब भी आप ये वीडियो देखें तो हमारे साथ लिखने का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि आपको लिखना सीखने के लिए स्वयं से लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो हम सीखते जाएंगे, आप कैसे सीख पाएंगे, इसलिए आपको भी हमारे साथ साथ लिखना चाहिए। जितना आप हमारे साथ लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी लिखना सीख जाएंगे, और हमारा प्रयास भी यही है कि आप जल्दी से जल्दी हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाएं।